टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सिविल इंजीनियर्स के लिए दो डिफरेंट कंपनीज की जॉब अपडेट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा। सबसे पहले कंपनी आपके सामने है नायक नावारे डेवलपर्स, ये एक पुणे बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के अंदर कुछ इंजीनियर्स के लिए यहां पर वैकेंसीज निकाली गई। आपके सामने पूरा टेबल है। डेजिग्नेशन की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपके सामने है। आप चाहो तो यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इस कंपनी की वेबसाइट की अगर आपको बात करनी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इसकी वेबसाइट या इसका ऑफिशियल करियर पेज भी ओपन कर सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड है या जो एलिजिबल है वो इनका अपडेटेड जो रेज्यूमे है इनके मेल पर भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये आपको मेल दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और जितने भी इनमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना अपडेटेड या लेटेस्ट रेज्यूमे यहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर इनके ऑफिशियल करियर पेज पर अप्लाई करना है तो ये करियर पेज है उनका, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस करियर पेज में यहां पर जो बाकी वैकेंसीज है उनके भी डिटेल्स यहां पर बता रखी है आपको। आरसीसी डिजाइनर है, बिल्डिंग एस्टिमेटर है, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हो। और अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है तो आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, अपना रेज्यूमे वगैरह यहां पर देख के सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था पहली कंपनी की तरफ से आपके लिए जॉब अपडेट। उसी के साथ दूसरी कंपनी की अगर बात करें तो वो है टेकेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इस टेकेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी कुछ सिविल इंजीनियर्स को इन्वाइट किया जा रहा है उनकी पोजिशन को फिलअप करने के लिए। पहले अगर डिसिप्लिन की बात करें तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल के अंदर देखा जाए तो ये जो पोजीशन होगी परमानेंट टाइप की पोजीशन होगी। एक बार आपने अप्लाई किया, एक बार आपको सिलेक्ट कर लिया गया तो आपको परमानेंट की यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। अगर लोकेशन की बात की जाए तो थाने इनका लोकेशन है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ईडीएस या एपीएस के अंदर। ईडीएस यानी कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग जो कंसल्टेंट डिजाइनर होते हैं, या फिर जो ईपीसी की बात करें जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो प्रोजेक्ट होते हैं कंप्लीट करके देने वाले, उन तरह के काम के अंदर या उस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ होना चाहिए। अगर है तो आप इसमें एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन बी बीटेक चलेगा। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है विद रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन कैन सेंड देयर एप्लीकेशन ऑन दिस फॉर्म। अब ये फॉर्म की एक लिंक है जिसकी मैं आपको बताता हूं कैसा फॉर्म है। ये रहा आपके सामने फॉर्म। इस फॉर्म की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इस फॉर्म को ओपन करके इसको सबमिट कर सकते हो। यहां पर जिस पोजीशन पे आपको अप्लाई करना है आपको उस पोजीशन को सिलेक्ट करना है और बाकी जो डिटेल यहां पर मांगी गई है वो यहां पर फिलअप करके आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म दिया है, आपको इसी के थ्रू यहां पर अप्लाई करना है। और इसके अलावा कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इंटरव्यूड इन टेकिन ड्यूरिंग पास्ट 6 मंथ, यानी जिन लोगों ने लास्ट 6 मंथ में अगर टेकिन में कहीं अप्लाई किया था या कोई इंटरव्यू दिया था तो उनको दोबारा यहां पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड एंड कॉल्ड फॉर टेक्निकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो उनमें से वो लोग जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको ही आगे कॉल आएगा या उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20th of July 2022। ये भी डेट नोट कर लीजिएगा। अगर इनके लोकेशन की बात की जाए तो आपके सामने है ये लोकेशन इनका थाने वेस्ट, ठीक है। तो ये दो अपडेट्स थी जॉब को लेकर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको सारी चीजें आसानी से पता चल गई होगी। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिएगा टेक्निकल सिविल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।